क्या आप जानते हैं कि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे मैच के बाद अवार्ड सेरेमनी में सुमन गिल ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे जानकर आप भी अपना सर पकड़ लेंगे। जी हां दोस्तों, सुमन गिल कितना क्लासी प्लेयर है यह तो हम सभी जानते ही हैं। छोटी सी उम्र में क्रिकेट की इतनी समझ और कंट्रोल देखकर लगता ही नहीं कि सुमन गिल अभी सिर्फ 22 साल का है। देखकर तो ऐसा लगता है मानो 22 साल पहले से यह क्रिकेट खेल रहा हो। खैर, खेल में तो सुमन गिल पूरी तरह मैच्योर हो चुके हैं, पर वास्तव में तो सुमन गिल अभी बच्चा ही है। ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया के पहले ओडीआई मैच में, जहां पर सुमन गिल ने मात्र 72 गेंदों में 82 रन बना डाले। पहले तो सुमन गिल 92 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, पर बाद में जब उन्होंने अपना गियर बदला तो 200 की स्ट्राइक रेट कब पार हो गई पता ही नहीं चला। इसका मतलब यह है कि सुमन गिल जब चाहे तब अपना खेलने का अंदाज बदल सकते हैं। टेस्ट हो, ओडीआई हो या फिर टी20, हर फॉर्मेट में सुमन गिल पूरी तरह फिट बैठते हैं। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे मैच के बाद स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द मैच की अनाउंसमेंट हुई, पर यह क्या, सुमन गिल तो रूम में बैठकर फ्री फायर गेम खेल रहे थे। थोड़ी देर तक तो प्रेजेंटेटर भी हैरान रह गया कि कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि जब आपको पता है आपको सम्मानित किया जाना है पर आप कमरे में बैठकर फ्री फायर गेम खेलने में बिजी हैं। केएल राहुल भी सुमन गिल की इस हरकत पर काफ़ी हैरान नजर आए। आप क्या सोचते हैं, क्या सुमन गिल घमंडी होते जा रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।